सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्टेक्स। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं फ्री वीपीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। फ्री वीपीएन ऐप को ओपन करने के बाद यहां पर आप लोगों को फास्टर सर्वर का ऑप्शन नजर आ रही, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पर फ्रांस की, जर्मनी की, नीदरलैंड की, यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड स्टेट की सर्वर्स मौजूद है। आप चाहो तो इनकी सर्वर को यूज कर सकते हो ईजिली फ्री में। तो जैसा कि अगर आप लोग फ्रांस की सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो अपने वीपीएन को, तो बस आप लोगों को फ्रांस के सर्वर पर क्लिक कर देना है। और फ्रांस के सर्वर पर क्लिक करने के बाद ऑल ऑफिशियल पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस ऐप में थोड़ी बहुत एड्स देखने को मिल जाएंगी। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर कनेक्शन सक्सेस के ऑप्शन नज़र आ जाती है। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो चुका है फ्रांस की सर्वर से। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करता हूँ। सर्वर पे क्लिक करने के बाद अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से सर्वर पर सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड दे रही है। तो यहाँ पर जैसे ये सर्वर ओपन होता है उसके बाद अभी आप सभी लोगों को राइट साइड में यहाँ पर नज़र आ रही होगी MS। जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो सबसे ज़्यादा MS जो शो हो रहा है वो हो रहा है जर्मनी में, जो आप यहां पर देख सकते हो। जर्मनी फ्रैंकफर्ट पे 430 MS की स्पीड शो की जा रही है। तो गाइज आप लोग इस नंबर से अंदाजा लगा सकते हो कि जिस पे ज्यादा MS शो हो उस पे आपको बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड शो की जाएगी। और वहीं पे आप यहां पर अगर नजर डालोगे तो यूनाइटेड किंगडम लंडन 2 वाली जो सर्वर है इस पर हम लोगों को 220 MS की स्पीड दी जा रही है। तो मैं इससे कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को बहुत ही स्लो मिलेगा जो भी है मेरा वीपीएन उसकी स्पीड। तो इससे बेहतर होगा कि आपको जिस भी सर्वर पे बहुत ज़्यादा MS हो उसी सर्वर से आप अपने वीपीएन को कनेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अभी आप एक मिनट यहाँ पे देखोगे तो कनेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो मेरा जो वीपीएन है वो कनेक्टेड तो हो चुका है। अब मैं डिसकनेक्ट करना चाहता हूँ तो डिसकनेक्ट करने के लिए कनेक्टेड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कनेक्टेड पर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग लेती है, उसके बाद आपका जो वीपीएन है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। डिसकनेक्ट होने के बाद यहाँ पर सो जाता है मेरा जो वीपीएन है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। लेफ्ट साइड में आप लोग ऊपर की तरफ में 3 लाइन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें शो नहीं की जाती है। तो गाइस अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको ये ऐप अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।